नमस्कार, अपन झारखंड में आपका स्वागत है और मैं हूं शुभे मिश्रा आपके साथ। रुक करते हैं खबरों की ओर। झारखंड विधानसभा के मॉनसून सत्र का आज आखिरी दिन है। पिछले चार दिनों से सिर्फ और सिर्फ हंगामे को देखते हुए माना जा रहा है कि आज आखिरी दिन भी विपक्ष हंगामा करेगा। ऐसा इसलिए क्योंकि बुधवार को कार्यकर्ताओं पर हुए लाठीचार्ज का मुद्दा बीजेपी सदन में उठा सकती है। बुधवार को भी सदन में बीजेपी विधायक अनंत ओझा ने कार्यकर्ताओं पर लाठीचार्ज का मुद्दा उठाया। नीलकंठ सिंह ने कहा कि हम लोग नमाज वाले मुद्दे पर शांतिपूर्ण तरीके से विरोध प्रदर्शन कर रहे थे, लेकिन जगन्नाथपुर मंदिर के पास बीजेपी कार्यकर्ताओं पर सरकार ने लाठीचार्ज करा दिया। नीलकंठ सिंह ने कहा कि ये सरकार लोकतंत्र की आवाज को दबा रही है। नीलकंठ सिंह ने कहा कि संविधान को बचाने के लिए बीजेपी का हर कार्यकर्ता गोली खाने को तैयार है। इस दौरान नीलकंठ सिंह मुंडा नारेबाजी करते हुए वेल तक पहुंच गए। विधायक भानु प्रताप शाही ने इसी मामले को लेकर सदन के रिपोर्टिंग टेबल पर चढ़कर हंगामा किया। कांग्रेस विधायक अरफान अंसारी, बंधु तिर्की, उमाशंकर अकेला भी वेल तक पहुंच गए। तो बता दें कि झारखंड विधानसभा सत्र कुल छह दिनों का सत्र था और आज सत्र का आखिरी दिन है। दो दिन अवकाश रहा और लगातार सदन हंगामेदार ही विपक्षी दलों की तरफ से बनाया गया। पहले दिन की बात करें तो जैसे ही मुख्यमंत्री के द्वारा प्रस्ताव को लेकर चर्चा की जाने लगी, उस दौरान ही तमाम विपक्षी दलों की तरफ से सदन को हंगामेदार बनाया गया। वहीं दूसरी ओर अगर कल की तस्वीरों को याद करें तो लगातार कार्यकर्ताओं की तरफ से उग्र आंदोलन किए गए। इसी कड़ी में इस पूरी खबर की अधिक जानकारी के लिए हमारे न्यूज कोऑर्डिनेटर झारखंड से मनोज जुड़ चुके हैं। मनोज, क्या कुछ जानकारी है, क्योंकि आज सदन का आखिरी दिन है और जिस तरह का आक्रोश कल कार्यकर्ताओं में, नेताओं में देखने को मिला था, ऐसे में जाहिर सी बात है आज भी सदन शांतिपूर्ण नहीं चलेगा। इसके अलावा सदन के भीतर और क्या कुछ कार्रवाई हो सकती है, इसकी पूरी जानकारी दी। देखिए सुबह, अगर हम बात करेंगे विधानसभा सत्र के आज आखिरी दिन को लेकर के, तो आज भी हंगामे की भेंट चलेगा, इसमें कहीं कोई दो राय नहीं है। क्योंकि इसकी शुरुआत आप देख सकते हैं कि किस तरीके से यहाँ पे तमाम बीजेपी के जो विधायक हैं वो विरोध करने के लिए बैठ चुके हैं यहाँ पे। चूँकि कल जो लाठीचार्ज हुआ है उसके विरोध में ये लोग काला दिवस मना रहे हैं। आइए हम इनसे बात करते हैं और जानते हैं कि आज इनकी क्या रणनीति है और आने वाले दिनों में क्या कुछ होगा। आज अगर हम बात करेंगे तो जिस तरीके से कल लाठीचार्ज हुआ और जो अब तक पिछले, अगर हम इस सत्र के दौरान हर दिन की बात करें तो एक भी दिन सत्र सुचारू रूप से नहीं चल सका है। नहीं, देखिए जिस प्रकार से सरकार ने तुष्टिकरण की पराकाष्ठा को पार किया, लोकतंत्र के मंदिर में नमाज कक्ष बनाने का काम किया, और जब राज्य के जनता और भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता विधानसभा अध्यक्ष के पास गुहार लगाने के लिए आए कि लोकतंत्र के मंदिर में नमाज कक्ष नहीं बनाइए, तो ये सरकार तानाशाही पर उतर करके और शांतिपूर्ण आ रहे लोगों पर लाठियां बरसाई। और तो और महिलाओं को भी इन्होंने नहीं बख्शा, महिलाओं को भी उन्होंने प्रताड़ित किया और दर्जनों कार्यकर्ता अस्पतालों में अलग अलग है, अभी पूरा रिपोर्ट भी नहीं आ पाया है, लेकिन कई दर्जनों लोगों को घायल हुए हैं। इसलिए ये लाठी गोली की सरकार नहीं चलेगी, लोकतंत्र में लाठी तंत्र के सहारे दबाने का काम करेंगे। भारतीय जनता पार्टी का हर एक कार्यकर्ता विरोध करेंगे। आज हम लोग काला दिवस मना रहे हैं, इस सरकार की जो दमनकारी नीति है उस दमनकारी नीति के खिलाफ हम लोग काला दिवस मना रहे हैं। रणधीर जी, अगर हम बात करेंगे तो आज काला दिवस है और जिस तरीके से जो सिनेरियो नजर आया है पिछले पांच दिनों में, आज भी सदन सुचारू रूप से चलने की उम्मीद नजर नहीं आ रही है। बिल्कुल, ये सरकार सदन नहीं चलाना चाहती थी और ये सरकार का शुरू से मंसूबा था कि जनता के जुड़े हुए सारे एक भी मुद्दे को सरकार ने सॉर्ट आउट नहीं किया पौने दो साल में। आपने देखा होगा हर जो भी वादा सरकार ने किया था जनता से, उन वादे से मुकर गई। अपने बचने के लिए सरकार ने एक नया इशू ला दिया, नमाज अदा करने का कमरा आवंटन कर दिया। और भारतीय जनता पार्टी ने जब कल शांतिपूर्ण तरीके से आंदोलन किया तो उसको लेकर जो है कल लाठीचार्ज हुई, हमारे नेताओं को घायल हुए, हमारे कार्यकर्ता घायल हुए, उसको लेकर आज हम लोग काला दिवस मना रहे हैं। और आने वाले समय में विधानसभा सत्र के बाद, क्योंकि विधानसभा सत्र का आज अंतिम दिन है, उसके बाद पूरे राज्य में चिंगारी फैलेगी। भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता चुप नहीं बैठेगा। इस सरकार की दमनकारी नीति को हम लोग पुरजोर तरीके से विरोध करते हुए, इस सरकार को जब तक उखाड़ेंगे नहीं तब तक हम लोग चैन से नहीं बैठेंगे।
सरकार मुख्यमंत्री ने कल सदन में घोषणा की है कि जातिगत जनगणना को लेकर के प्रतिनिधिमंडल प्रधानमंत्री से मिलेंगे। अब मुख्यमंत्री जी से हम लोग पूछ रहे हैं कि भैया आपने नियोजन नीति जारी कर दिया, कौन है स्थानीय, किसके लिए गन्ना? पूर्ववर्ती रघुबर सरकार ने उस समय गन्ना का सारी प्रक्रिया पूरी कर दी थी, इसलिए ये केवल भ्रम डालने का काम कर रहे हैं, इसके अलावा और कुछ नहीं है। इस तरीके से देखते हैं सुबी की जो विरोध प्रदर्शन का जो दौर है वो लगातार चल रहा है, और जिस तरीके से भाजपा के कार्यकर्ता जो हैं वो अड़े हुए हैं, तो आज भी इस बात का अंदेशा है कि सत्र जो है सुचारू रूप से नहीं चल पाएगा। मनोज, लगातार इस बात की चर्चा इनकी तरफ से की जा रही थी कि जन सरोकार के मुद्दों को सदन के पटल पर रखा जाएगा, लेकिन क्या जिस तरीके से एक कक्ष के लिए सरस से कार्यकर्ताओं का विरोध प्रदर्शन करना, इससे जनता का क्या लेना देना? क्योंकि लगातार उनकी तरफ से इन बातों को रखा गया था कि कोरोना काल में जो भी परेशानियां लोगों को हुई थी, इन तमाम परेशानियों को लेकर सदन में वो अपनी आवाज बुलंद करेंगे, लेकिन आज सदन का आखिरी दिन है और सिर्फ हंगामेदार ही सदन को बनाया गया, और वजह अलग अलग मुद्दों को लेकर थी, लेकिन जनता या जनता से जुड़े किसी भी मामले को सदन के पटल पर विपक्षी दलों की तरफ से शायद ही उठाया गया हो। बिल्कुल सही कहा सुबी आपने कि सदन की बात अगर करेंगे तो जन मुद्दों को लेकर के चर्चा होनी चाहिए थी, वो नहीं हो पाई है। अभी हमारे साथ में जेएमएम के विधायक हैं सुदीप जी, आप ये बताइए कि जिस तरीके से हंगामा चल रहा है, कल लाठीचार्ज हुआ आशू कार्यकर्ताओं पे, बीजेपी कार्यकर्ताओं पे, आशू जो है आज पूरे प्रदेश में मुख्यमंत्री का पुतला फूंकने की बात कर रही है, यहाँ पे बीजेपी जो है काला दिवस मना रही है, तो ऐसे में जन मुद्दे कहाँ छूट गए? देखिए, राज्य में कानून व्यवस्था की स्थिति निश्चित रूप से जिला प्रशासन के हाथ में है। भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता जब तक शांतिपूर्ण प्रदर्शन कर रहे थे तब तक प्रशासन की कोई आपत्ति नहीं थी। जब बैरिकेड तोड़े गए और कानून को हाथ में लेने का प्रयास हुआ तो प्रतिरोधात्मक कार्रवाई हुई है। उस विषय में ज़्यादा बेहतर प्रशासन के लोग बताएंगे। बतौर विधायक मेरा यह मानना है कि मानसून सत्र भारतीय जनता पार्टी के माननीय सदस्यों की हठधर्मिता की भेंट चढ़ गया। जनता की गाढ़ी कमाई से चलने वाले सदन में जनहित के जिन मुद्दों पर विभाग चर्चा होनी चाहिए थी, परेशानियों के निदान निकाले जाने चाहिए, वो सारा मसला ये रोज नया नया ड्रेस पहनकर और नई नई त्रिपुंड और बाकी चीज़ों को लगाकर नाटक करते बीत गया। और ऐसा प्रतीत हुआ कि झारखंड की विधानसभा न हो, कोई नाटक मंडली का स्थल हो जहाँ रोज नाटक किए जा रहे हैं। तो मैं स्पष्ट रूप से मानता हूँ कि इसकी पूरी जवाबदेही विपक्ष की है। सत्ता पक्ष ने हाउस के बिजनेस को अपने तरीके से चलाया है, और जो जनता से जुड़े हुए विधेयक थे, जनता के हितों के जो मामले थे, उनको सरकार ने रखा है। लेकिन यह भी दुर्भाग्यपूर्ण है कि विपक्ष, जिसकी इस लोकतंत्र में अस्तित्व की बहुत महत्व है, वो विपक्ष जनता के मुद्दों को सदन में रखने में विफल रहा है। अभी अपनी कतारों में जनता को जाकर जवाब देंगे कि मानसून सत्र जो जनता के सवालों को करने के लिए इनके पास था वो विफल क्यों हुआ। तो सुबह इस तरीके से देखते हैं सत्ता पक्ष जो गतिरोध रहा, जो सदन नहीं सही तरीके से चल सका, उसके लिए विपक्ष को दोषी ठहरा रहा, और विपक्ष का कहना है कि सत्ता पक्ष की वजह से जो है जो जन मुद्दे हैं वो सामने नहीं आए, बल्कि एक नया बखेरा यहाँ खड़ा हुआ और उसको लेकर के हंगामा होता रहा। जिन जिन मुद्दों पे, जैसे नियोजन नीति की बात हो या OBC के आरक्षण की बात हो, इन सारे मुद्दों पे सरकार जो है चर्चा करने से सही तरीके से बचती रही है। मनोज जी, स्थानीय नीति और नियोजन नीति, इन दोनों को अलग अलग तरीके से परिभाषित करने की बात मुख्यमंत्री की तरफ से की गई थी, आखिर इस स्थानीय नीति और नियोजन नीति को लेकर सदन के पटल पर लगातार चर्चाएं क्यों हो रही है? देखिए सुबी, अगर हम बात करेंगे तो नियोजन नीति जो है वो यहाँ पे जो बेरोजगार युवा हैं उनको रोजगार से जोड़ने के लिए सरकार के द्वारा बनाने की बात है। उसमें किस तरीके से उन्हें यहाँ पे मौका मिलेगा, किस तरीके से उनकी भागीदारी होगी, इन सारे चीज़ों को लेकर के नियोजन नीति में है। और सबसे बड़ी बात यह है कि नियोजन नीति यहाँ पहले भी बनी थी, लेकिन उसके पहले जहाँ स्थानीयता की बात आती है, जो भी नियोजन नीति बनी उसमें स्थानीयता को महत्व दिया गया, उसमें बताया गया कि स्थानीय जो है उनको यहाँ पे ज़्यादा मौका मिलेगा। जैसे कल भी एक बिल जो आई है जिसमें कि निजी क्षेत्रों में जो निजी सरकार निजी नौकरी है उनमें 40,000 से नीचे वाली नौकरी में 75%
प्रतिशत जो आरक्षण है वो स्थानीय लोगों की होगी, लेकिन उसमें स्थानीय लोग कौन होंगे इस बात का स्पष्ट जिक्र नहीं है, तो उसको लेकर दुविधा है। क्योंकि यहाँ पे स्थानीयता की परिभाषा की अगर हम बात करें तो कई बार हर सरकार ने अपने अपने तरीके से परिभाषित किया है। कभी 1932 के खतिहान को आधार बनाया गया है, तो कभी 2015 को कट ऑफ डेट माना गया, तो एक तरह से कहा जाए तो उसको लेकर के जो है एक भ्रम की स्थिति है और वो स्पष्ट नहीं हो पाई है। कल भी जब मुख्यमंत्री ने इस बात की लोगों ने घोषणा की तो विपक्ष ने यही सवाल किया था कि आखिर स्थानीय है कौन, ये स्पष्ट होना चाहिए। जब क्योंकि जब तक स्थानीयता की परिभाषा स्पष्ट नहीं होगी किसी भी नियोजन नीति को जमीन पर सही तरीके से उतारा नहीं जा सकेगा। अभी अगर हम बात करेंगे तो विभिन्न विभागों में हजारों रिक्तियां हैं और यहां पे लाखों बेरोजगार बैठे हुए हैं उसके लिए, लेकिन नियोजन नीति के अभाव में स्थानीयता की स्पष्ट परिभाषा के अभाव में वो उनकी नियुक्ति नहीं हो पा रही है। नियोजन नीति आने के बावजूद चूँकि स्थानीयता का उसमें स्पष्ट जिक्र नहीं है, ऐसे में कौन से उसके कौन से युवा जो है उस अर्हता को पाएंगे, ये कुछ स्पष्ट नहीं हो पा रहा है। जी सुबह, तो बहुत बहुत शुक्रिया मनोज हमारे साथ जुड़ने के लिए और इन तमाम जानकारियों के लिए। तो लगातार मानसून सत्र हंगामेदार रहा और इसी को लेकर आज सदन का आखिरी दिन है और संभावना इस बात की भी है कि आज भी सदन को विपक्षी दलों की तरफ से हंगामेदार बनाया जाएगा।